15 में हम देख चुके हैं मिस्टर लो को सूबे की सच्चाई पता चल गई थी, आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट 16 से पहले पार्ट 15 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो लाइक और शेयर करना और हाँ कमेंट कर जरूर बताना, और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 16 में हम देखते हैं हीटिंग सूबे को बताती है कि आंटी की कंपनी में आग लगने के बाद ये आदमी सीसीटीवी में देखा गया, जो चेंगसे का बॉडीगार्ड है। सूबे बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी और कहती है अभी मैं मिस्टर लू को अपना फेस कैसे दिखाऊंगी, अरे नहीं आज तो हम दोनों की डिनर डेट है। इधर मिस्टर लू चुपचाप बैठा था, सूबे भाग के आती है बट वो उसे देख के जाने लगता है। सूबे उसका हाथ पकड़ कहती है मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकती हूँ, बट वो कहता है क्या एक्सप्लेन करोगी, कि तुमने मुझे एक गुनहगार समझा था, मुझे बर्बाद करना चाहती हो। वो रोती हुई मना कर रही थी, मिस्टर लू कहता है आज मैं तुम्हें अपनी फीलिंग्स बताने वाला था कि कुछ साल पहले भले ही हम अलग हो गए थे पर मैं तुमसे अब भी लव करता हूँ। मेरा दिमाग तुम्हें भूल गया था पर मेरा दिल अब भी तुम्हारे लिए धड़कता है। सुबह उसका हाथ पकड़ सॉरी बोलती है बट वो उसका हाथ हटा देता है और कहता है जब तुमने मुझे बॉटल लगने से बचाया था और जब मैं कोमा में था तो हंजन को संभाला, क्या वो लव था या फिर वो भी तुम्हारा कोई प्लान, और चला जाता है। जबकि सुबह रो रही थी और भागती है बट बाहर फायरवर्क्स हो रहा था जो मिस्टर लू ने सुबह के लिए प्लान कर रखा था, पर मिस्टर लू रो रहा था और चला जाता है तो सुबह भी बैठ के रोती है। पीछे से गुयन उसे देख रहा था और कहता है किसी को खोने के बाद बिल्कुल ऐसा ही फील होता है, और चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर लू अब पहले से भी ज्यादा खड़ूस और हर्टलेस सीईओ बन गया था। कंपनी में सभी एम्प्लॉयज वर लाइक लगता है खड़ूस की बुद्धि सटी आ गई है, बिना बात के सबको डांट रहा है। असिस्टेंट अंदर आता है तो कहता है गेट आउट। असिस्टेंट बताता है कि अंकल चेंगसे के बॉडीगार्ड से मिला हुआ था जिसने आग लगवाई थी, और सूबे की आंटी की तबीयत काफी खराब है। मिस्टर लू कहता है तू सूबे को जस्टिफाई कर रहा है। वो कहता है जस्टिफाई नहीं कर रहा बट ऐसा लग रहा है कि कोई जानबूझ के तुम्हें और सूबे को अलग करना चाहता है। मिस्टर लू उसे अंकल को ढूंढने का ऑर्डर दे देता है। इधर सूबे बैठी थी, क्रिस अपनी मॉमी के लिए खाना लाता है और कहता है मॉमी आपने कब से कुछ नहीं खाया, चलो नूडल्स खा लो। वो कहती है मैं बाद में खा लूंगी। क्रिस कहता है अच्छी बच्ची बनो और अभी खाओ। हीटिंग कहती है क्रिस आंटी मॉमी को जरूर खाना खिला देंगी। वो कहता है ओके तो मैं होमवर्क करने जा रहा हूँ। हीटिंग सूबे को खाने को कहती है, वो कहती है मुझे भूख नहीं है, तुम्हें क्या लगता है इसमें मेरी गलती है ना। हीटिंग कहती है पता नहीं बट पहले उस अंकल को ढूंढना पड़ेगा तभी सच बाहर आएगा। असिस्टेंट अंकल को पकड़ने वाला था बट वो भाग लेता है, तभी हीटिंग अपना पैर अड़ा देती है जिससे अंकल सीधा मुंह के बल नीचे गिर जाता है। तो वो कहती है लूजर कहीं का। असिस्टेंट कहता है और तुम जालिम, हम इंसान तो वायलेंस यूज नहीं करते। अंकल कहता है शर्म करो, दो दो लोग एक को अब्यूज कर रहे हो। असिस्टेंट अंकल को पकड़ के ले जाने लगा था पर हीटिंग उसे ले जाने लगती है और कहती है मैंने इसे पकड़ा है। वो कहता है पर मैंने पहले इसे ढूंढा था। वो कहती है अगर मैं इसे नहीं पकड़ती तो तुम अब तक हॉस्पिटल में होते। वो कहता है और अगर मैं इसे नहीं ढूंढता तो तुम्हें इसे पकड़ने का चांस ही नहीं मिलता। अंकल बोलने लगा था तो दोनों से शटअप कर देते हैं और फिर अंकल के लिए लड़ने लगे थे तो हीटिंग असिस्टेंट के थोपड़े पे घूसा मार देती है। नेक्स्ट सीन में उसके नाक में कॉटन थी। हीटिंग से पिटने के बाद अंकल बता देता है कि मैंने तो बस बॉडीगार्ड के कहने पे किया बट उन सबका बॉस चेंगसे है, और रही बात रिकॉर्डिंग की वो रियल है बट असिस्टेंट ने तो मिस्टर लू के कोमा वाली बात छुपाने के लिए पैसे दिए थे, और उसे पुलिस को पकड़वा देते हैं। मिस्टर लू पीपी का टल्ली हो गया था, उसके सिर में दर्द होता है तो हॉस्पिटल ले आते हैं। डॉक्टर बताता है कि बार बार एक्सीडेंट और स्ट्रेस होने की वजह से मिस्टर लू की हालत सीरियस होती जा रही है, इसलिए जल्दी से जल्दी ऑपरेशन कराना पड़ेगा वरना मिस्टर लू अंधा भी हो सकता है। असिस्टेंट ऑपरेशन की डेट फिक्स करने वाला था पर मिस्टर लू रोक देता है क्योंकि वो कंपनी के काम में बिजी है। असिस्टेंट सूबे को एक पेन ड्राइव देता है, वो पूछती है मिस्टर लू कैसा है, तो कहता है अगर तुम उसे लव नहीं दे सकती तो हमेशा के लिए उसे छोड़ के चली जाओ ना। सूबे पेन ड्राइव में देखती है कि डिनर डेट पे मिस्टर लू सूबे को कन्फेस करने की प्रैक्टिस कर रहा था, तो सूबे भी जोर जोर से रोने लगती है और आंटी से कहती है मैंने मिस्टर लू का दिल तोड़ा है, जबकि क्रिस अपने डैडी को इतना लव करता है, अब तो मिस्टर लू उसके साथ फुटबॉल भी नहीं खेलेगा तो मैं क्या करूँ। एमी बताती है कि मिस्टर लू के हुआंजन और गु कंपनी में कॉम्पिटिशन होगा और जो जीतेगा वही सिया कंपनी से कॉपरेट कर पाएगा।
सुबह ही मिस्टर लूसी कहती है क्रिस तुम्हें मिस कर रहा है तो क्या तुम उससे मिलोगे, बट वो बिना कुछ बोले चला जाता है। जब उसे कंपटीशन के लिए डिजाइन चेंज करने को कहती है तो मिस्टर लू चिल्ला पड़ता है। वो कहती है मैं हुआंजन की भलाई के लिए बोल रही हूँ। वो कहता है अच्छा तो तुम हुआंजन को बर्बाद करने का नहीं सोचती, पता है मेरे लिए हुआंजन कितना इम्पोर्टेंट है, ये मेरे मॉम डैड की धरोहर है। और उसके सिर में कुछ होने लगा था। सुबह उसकी परवाह करती है बट वो उसे भगा देता है। फर्स्ट राउंड में गु कंपनी जीत जाती है। चेंगसी कहता है अब तो हुआंजन मैं हथियार लूंगा। सुबह कहती है तुम्हें क्या लगता है हुआंजन को कोई तुम जैसा कचरा अफोर्ड कर पाएगा, जिससे चेंगसी का पोपट हो गया था। सुबह ही फिर मिस्टर को बताती है कि गु कंपनी से कंपटीशन जीतने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि मुझे ड्रेस डिजाइन करनी होगी। मिस्टर लो नहीं मानता तो कहती है ये रहा कॉन्ट्रैक्ट, अगर हुआंजन हारेगा तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। तो मिस्टर लो साइन कर देता है। फिर तो सुबह दिन रात डिजाइन बनाने में लग जाती है, जिससे सेकंड राउंड हुआंजन जीत जाता है। तो सब बहुत खुश होते हैं। वो काम करते करते सो गई थी तो मिस्टर उसे देखने लगता है, बट उसे जागता देख जाने लगता है। सुबह भाग के जब उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है तुम्हें मेरी फिक्र है, यानी तुमने मुझे माफ कर दिया। वो अपना हाथ छुड़ा कहता है तुम कुछ ज्यादा ही उड़ रही हो, मैं यहाँ चेक करने आया था कि डिजाइन बना है या नहीं, और ज्यादा काम करने का दिखावा मत करो वरना सब कहेंगे सीईओ एम्प्लॉयज पे अत्याचार कर रहा है। सुबह सैड होती है जबकि रियल में मिस्टर लो को उसकी फिक्र थी। वो घर आती है तो यतिंग ने क्रिस को सुला दिया था और कहती है तुम कितने दिनों से घर नहीं आई थी, इसलिए क्रिस आज भी तुम्हारा वेट करता करता अभी सोया है। सुबह कहती है मैं कितनी बैड मॉम हूँ। क्रिस उठ जाता है तो कहता है मॉमी आप वापस आ गई, मैंने आपको बहुत मिस किया। वो कहती है मैंने भी। क्रिस कहता है मॉमी आप इतना सारा काम करती करती थक जाती हो ना। वो कहती है जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे बिल्कुल थकान फील नहीं होती। वो कहता है पता है मैंने एक सपना देखा जिसमें मॉमी डैडी मुझे अम्यूजमेंट पार्क लेके जा रहे हैं। मॉमी डैडी क्या आप दोनों डाइवोर्स कर रहे हो। सुबह कहती है क्रिस मॉमी से गलती हो गई है इसलिए डैडी सैड है, शायद वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। वो कहता है मेरी मॉमी दुनिया की बेस्ट इंसान है, गलती हुई है तो जरूर डैडी से हुई होगी। वो उसे हक्का कहती है मॉम तुम्हें बहुत लव करती है, तुम बेस्ट चीज हो जो मेरे साथ हुई है। क्रिस कहता है आई लव यू टू मॉमी। ये थिंग तो उन्हें खुश थे कि स्माइल करती है। थर्ड राउंड होता है जिसमें सुबह के डिजाइन की वजह से हुआंजन जीत जाता है और वो सिया कंपनी से कॉपरेट कर लेते हैं। बट न्यूज वायरल हो जाती है कि 6 साल पहले सीईओ के डिजाइनर वाइफ सुबह के प्लेगरिज्म की वजह से रूई नाम के डिजाइनर के बिल्डिंग से कूद के डेथ हो गई थी। सिया से कॉपरेशन बनाने के लिए बोर्ड मेंबर सुबह को फायर करने को बोल रहे थे। मिस्टर लो कहता है सुबह की वजह से ही हमारा सिया से कॉपरेशन हुआ है और सुबह मेरी वाइफ है तो ऐसे हस्बैंड मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा। सुबह कहती है 6 साल पहले तो मैं बिना प्रूफ के चली गई थी, पर अब मुझे खुद को निर्दोष प्रूफ करना ही पड़ेगा और असली मुजरिम को ढूंढना है। और फिर रिजाइन लेटर और डाइवोर्स पेपर पे साइन करके मिस्टर लो को दे देती है ताकि सुबह के स्कैंडल की वजह से हुआंजन पे कोई असर ना हो। बट मिस्टर लो गुस्से में था तभी उसे याद आता है कि सुबह 6 साल पहले भी डाइवोर्स पे साइन करके उसे छोड़कर चली गई थी और बेहोशों के नीचे गिर जाता है। हॉस्पिटल में असिस्टेंट मिस्टर लो की केयर कर रहा था तभी सुबह आ जाती है तो असिस्टेंट उसे बताता है कि तुम मिस्टर लो को डाइवोर्स दे रही हो, तुम्हें पता भी है तुम्हारे लिए वो बोर्ड मेंबर से लड़ रहा था। सुबह रोती हुई कहती है प्लीज उठ जाओ मुझे माफ कर दो। मिस्टर लो उठते ही कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। सुबह उसकी केयर करने लगी थी। वो कहता है मुझे तुम्हारी दया की जरूरत नहीं, मैं डाइवोर्स पेपर पे साइन करके भेज दूंगा। वो कहती है मैं फॉरेन में बहुत डॉक्टर्स को जानती हूँ, तुम वही ट्रीटमेंट करा लेना। बट ही वाज लाइक गेट आउट। वो बस रोए जा रही थी और चली जाती है। फिर वो यतिंग से कहती है मुझे लगा था अगर मिस्टर लू की यादाश्त वापस नहीं आएगी तो मैं उसे छोड़ के चली जाऊंगी, पर मैं उसके बिना नहीं रह सकती, अब मैं सिर्फ अपने दिल की सुनूंगी। यतिंग कहती है मैं तेरी हेल्प करूंगी। वो कहती है पर मिस्टर लू मुझसे बहुत गुस्सा है तो मैं क्या करूं। तभी क्रिस आकर कहता है मॉमी टेंशन मत लो मैं हूँ ना, मैं आपकी हेल्प करूंगा, और उसे हक कर लेता है तो सुबह हंस पड़ती है। नेक्स्ट डे क्रिस गॉगल्स लगा के अपनी लग्जरी कार में जाता है, वही कार जो उसके डैडी ने बिछवाई थी, और जाकर गेट बेल बजाने लगा था बट उसका हाथ ही नहीं पहुंचता, पर कूद के बचा देता है और फिर पूरे एक्शन से अपना लॉलीपॉप मुंह में डालता है। मिस्टर लू अपना गेट खोलता है तो कहता है अबे तू यहाँ क्या कर रहा है। क्रिस कहता है तुम्हारी वाइफ किसी और हैंडसम लड़के के साथ ब्लाइंड डेट पे जा रही है। मिस्टर लू वाज लाइक
तो मैं क्या करूं? और गेट बंद करने लगा था। क्रिस कहता है, रुको, ये लो ब्लाइंड डेट का एड्रेस। और मिस्टर लू को एक नोट पकड़ा देता है जिसमें होटल का नाम लिखा था। इधर सुबह केक रेडी करके उसका वेट कर रही थी। एक आदमी उसे देखने लगता है तो पूछती है, तुम कौन हो? वो कहता है, हे ब्यूटी, तुम अकेली हो? क्या मैं यहाँ बैठ जाऊं? वो कुछ बोलती इतने में मिस्टर लू आकर कहता है, तू कौन है बे? तो वो आदमी चला जाता है। मिस्टर लू कहता है, हम अभी भी शादीशुदा हैं, पर तुम्हें लड़के पटाने की इतनी जल्दी है? अगर ब्लाइंड डेट पे जाना है तो मेरे एक्स हस्बैंड बनने तक का वेट तो कर लेती। वो एक लड़की के साथ था तो सूबी थोड़ा जेलस होती है। मिस्टर लू अपने साथ वाली लड़की को दूसरी टेबल पे भेज देता है और खुद वही टेबल पर बैठकर कहता है, वो वाला तो चला गया, तुम नेक्स्ट वाले का वेट कर रही हो? सूबी हाँ करती है। वो कहता है, तुमने तो बिल्कुल शादी वाली तैयारी कर रखी है, मैं भी तो देखूं आखिर कौन है वो लड़का जो मुझसे भी ज्यादा हॉट एंड हैंडसम है। वो कहती है, वो तो यही है। मिस्टर लू इधर उधर देखता है, उसके अलावा वहाँ कोई नहीं था। सूबी कहती है, मुझे शादी की जल्दी है क्योंकि मैं तुम्हें से दोबारा शादी करना चाहती हूँ। ही वाज लाइक, क्या मतलब तुम्हारा? वो कहती है, पिछली बार मैं तुम्हें और मांजन को बचाने के लिए फौरन चली गई थी, पर मुझे तुमसे फिर से लव हो गया, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मिस्टर लू मना करके जाने लगा था। वो कहती है, मुझे पता है तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, पर मैं खुद को प्रूव करके दिखाऊंगी। मिस्टर लू चला जाता है। असिस्टेंट उसे बिजनेस की बातें बता रहा था, बट मिस्टर लू अपने ख्यालों में गुम था और कहता है, सूबे ने मुझे कन्फेस कर दिया। असिस्टेंट हैरान, बट मिस्टर लू अभी भी कंफ्यूजन में था कि वो सच बोल रही है या फिर ड्रामा। इधर सूबे मिस्टर लू के घर पे उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी, बट उसके आने की आवाज सुन पर्दे के पीछे छुप जाती है। मिस्टर लू खाना देख के हैरान और पर्दे के नीचे से उसके पैर देख लेता है, तो पर्दा हटा के कहता है, तुम क्या मेरे घर में हाइड एंड सीख खेलने आई हो? और इसी के साथ पार्ट 16 के एंड हो जाता है। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।